आज हम इस पुराने तलवार को रिस्टोर करने वाले हैं। यह तकरीबन 150 साल पुराना तलवार है और आप देख सकते हैं यह किस हालत में है। तब हम इसे दोबारा से नया रूप देने का काम करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम पुराने से पुराने हथियारों को नया रूप देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे रफ ब्रश से स्क्रैप कर लेते हैं ताकि इस तलवार पे जो भी मिट्टी या धूल जमी हुई है वो हट जाए। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल रही है। इसे साफ करने के बाद में अब हम इसे खोलने वाले हैं। इसके जो हैंडल है उसके नट को खोल के इसके हैंडल को अलग करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्लस की मदद से इस नट को कुछ इस तरह से घुमाना शुरू करते हैं। काफ़ी जंग लग गया है इसलिए ये थोड़ा सा टाइट हो गया, पर अब ये खुलने लगा है और आप देख सकते हैं नीचे कितनी गंदगी गिरने लगी है। तो यह अब अलग हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये कुछ पार्ट्स हैं जो हैंडल के साथ में लगा के तलवार को टाइट किया जाता है। यह बहुत ही पुराना हैंडल है, तलवार भी बहुत पुराना है। से बना हुआ है, बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है। तो अब हम इसे इस तरह से ठीक करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो कमांड लगा हुआ है उसे हम सीधा कर लेते हैं ताकि हमें ग्राइंडर चलाने में आसानी हो। देख सकते हैं ये सीधा हो चुका है। क्या ही खतरनाक लुक है। अब हम इसके बचे हुए जो भाग है उसे भी साफ कर लेते हैं। अब इसके शेप को हम ठीक कर रहे हैं ताकि यह हैंडल एक नए लुक में दिखाई पड़े। से या किसी दूसरे अस्त्र के बाद से हाथ के मुट्ठी को बचाने के लिए लगाया जाता था। ये लगा हुआ रहने पर जो हथेली है उसके दूसरे अस्त्र का वार नहीं होता था। तो इसे हम प्रोटेक्शन गार्ड भी कह सकते हैं। अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगा है। इसके अंदर के भाग को भी हम साफ करने वाले हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत या मिट्टी इसके अंदर में जमे हैं वो भी निकल जाए। देख सकते हैं ये पूरी तरह से साफ हो चुका है, आर पार आराम से दिखाई दे रहा है। अब हम इसके पार्ट की जो पार्ट्स हैं, ये प्लेट लगा हुआ रहता था के नीचे में लगा हुआ रहता है ताकि इस पे अपना जो हाथ है वो हथेली है वो रेस्ट कर सके। और ये एक छोटा सा चक्री इस प्लेट के नीचे में लगा हुआ रहता है। ये एक डिजाइन के लिए भी होता है और इसे लगा के हम तलवार को ज़्यादा मजबूती से टाइट कर पाते हैं, इसलिए भी इसे लगाया जाता है। तो अब हम इसे भी देखना शुरू कर चुके हैं और इसे भी हम अब साफ कर रहे हैं। इसके जो अंदर के पोर्शन है वहाँ पे ग्राइंडर की मदद से खींचना पॉसिबल नहीं था, तो हमने ये जो रफ ब्रश है उससे इसे स्क्रैप करना चालू कर दिया है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, ये अब साफ हो चुका है और इसके सारे पार्ट्स अब कुछ इस तरह से दिखाई पड़ने लगे हैं। अब हम इसे आकर्षक रूप देने के लिए पेंट कर रहे हैं और देख सकते हैं पेंट एक परत लगते ही यह कितना खूबसूरत लुक में दिखाई दे रहा है। बहुत ही मेहनत से इस हैंडल को बनाया गया होगा और मैं भी इसे काफ़ी मेहनत से रिस्टोर कर रहा हूँ ताकि जो हमारे पूर्वजों के जो यह कलाकारी है उसे हम सजो के रख सकें। हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी इन कलाकृतियों को देख पाएँ। अब हम इसके प्लेट को भी कुछ इस तरह से पेंट कर लेंगे ताकि यह भी ओरिजिन प्रूफ हो जाए और जंग इसमें भी ना लगे, साथ ही ये दिखने में भी सुंदर दिखेगा। और तकरीबन हमारा काम हो चुका है। अब इसे और थोड़ा सा आकर्षक लुक देने के लिए हम इसमें कुछ इस तरह से पेंट कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा और आकर्षक लगे। ये जब पूरी तरह से तलवार पे लग जाएगा तो तलवार का जो सुंदरता है वो और भी बढ़ जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियोज आप लोग के लिए इस चैनल पे लाते रहते हैं। और तलवार का पूरा रिस्टोरेशन वीडियो देखने के लिए